एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आ गए तो गाइस, अभी शाम के बज रखे हैं 6:30 और अभी हम लोगों ने शेक पिया है, मैंगो शेक। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पिज्जा। तो पहले पिज्जा बेस बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पिज्जा बेस नहीं है हमारे पास, तो मार्केट से आजकल ऐसी चीजें खरीद नहीं रहे। और अगर लाएंगे भी ना, तो जैसे ब्रेड भी लाते हैं तो उनको अच्छे से गर्म करके देती हूँ बच्चों को, तो इसलिए मैंने कहा मैदा तो है ही मेरे पास और पिज्जा बेस मैं घर पे ही बना लेती हूँ, इनके लिए पिज्जा बना रही हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और ब्लॉग एंड तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। तो चलिए, अभी 6:30 रहे शाम का और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है, एक तरफ दूध चढ़ा रखा है गरम करने के लिए, और पिज्जा बेस बनाने के लिए मैदा रख दिया है मैंने। 1.5 घंटा हो गया है, अभी थोड़ा कुछ देर और रुकती हूँ, कम से कम 2 घंटे तक ना रखना पड़ता है मैदा, तो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी तो उसी के साथ बताऊंगी। और अभी तैयार करके रखा है, चलो तवा अग्र रख दिया है मैंने पिज्जा बेस बनाने के लिए। तो गाइस, अभी मैंगो शेक पिया था और फिर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए पिज्जा बनाती हूँ, उसके लिए पहले मैंने कहा पिज्जा बेस बनाती हूँ, और तो वो घर पे ही बना रही हूँ। और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैंने 2 बार बोल दिया, हमेशा मैं भूल जाती हूँ। और एक छोटी सी मेरी क्लिप देखिएगा कल रात की। कल रात ना उत्तर रामायण का आखिरी दिन था, तो उसमें सीता का, जब सीता जी ना धरती फट के उसमें समा गए थे, तो इतना अजीब सा सीन आया था, हमको इतना रोना आ गया, मेरे को भी, मेरी मम्मी को भी। तो मेरी बेटी ने बना दी हमारी वीडियो, उसको भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इतना रोना आया पता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही मेरे को इतना बुरा लगा उनका। और इतने दिन से हम रामायण देख रहे थे ना, बहुत अच्छी रामायण है, और फिर उत्तर रामायण चली वो लव कुश वाला, फिर कल रात आखिरी था, फिर सीता जी जो है धरती फट के उसमें समा गए थे, तो वो वाला सीन इतना ही, मतलब ऐसा था ना कि मेरे को इतना रोना आ गया, हद से ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरी बेटी ने जो है वीडियो बना दी हमारी, तो उसको भी मैं एंड में डालूंगी, ठीक है, ब्लॉग में, तो जरूर देखिएगा। चलिए अभी पिज्जा बनाती हूँ, पिज्जा बेस बनाती हूँ, उसके बाद पिज्जा बनाऊंगी और शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सारा मैंने जो है सामान ले लिया है जो भी पिज्जा बेस के लिए चाहिए हमें, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मैंने क्या क्या रखा है, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें जो है मैदा ले लेना है, तो मैदा मैंने लिया है 1/2 किलो से कम, लगभग 1 पाव करीबन, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1 पाव से 1-2 चम्मच, और 1/2 किलो से कम है ये। और तो देखिए, ये रहा मेरा मैदा और ये रहा 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड, कोई भी आप ले लीजिए, बस सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, और दही 2 चम्मच और 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, ठीक है, और नमक भी 1/2 चम्मच और चीनी 1 चम्मच है। तो गैस देखिए, ये रहा मेरा मैदा, आप देख रहे हैं 1/2 किलो से कम है ये, तो इसमें मैं ये देखिए 2 चम्मच दही है, 2 चम्मच के लगभग दही है ये, और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और घर में आप आराम से, पता है, पिज्जा बेस बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है दही के बाद, और 2 चम्मच रिफाइंड, तो कोई सा भी धारा अगरा रिफाइंड कोई भी आप यूज कर लीजिए, और बस सरसों का ना तेल नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, बाकी आप रिफाइंड कोई भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम ऐसे आटा लगा लेंगे, तो दही चीनी और मैंने इसमें रिफाइंड ऐड कर दिया है मैदे में, तो ढंग से अच्छे से आराम से इसको हम आटे को लगा लेंगे, और बहुत ही आराम से, पता है, बहुत सारी चीज़ों का जो है कि ऐसा नहीं है कि आपको इतनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें चाहिए, घर में फ्रेश बनाइए पिज्ज़ा बेस और पिज्ज़ा भी। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच नमक था, बेकिंग पाउडर
एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें भी हमने डाल दी हैं इसमें, और तो फिर से हम इसको आटे को लगा लेंगे और आराम आराम से लगाना है, गीला नहीं करना है आटा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है, तो कुछ तो ये ऐसे ही देखिए गूंद चुका है। तो मैंने जो दही वाली मेरी कटोरी थी जिसमें मैंने दही रखा था ना, उसमें देखिए कितना पानी लिया है, 2 चम्मच पानी होगा ये, तो ये पूरा भी नहीं लगा, 1/2 चम्मच करवन या 1 चम्मच पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और क्योंकि इसमें दही थी और रिफाइंड 2 चम्मच था, तो देखिए बस आटा हमारा जो है लग चुका है। तो थोड़ा सा मैंने रिफाइंड और ले लिया है हाथ में, और इसको गोले को अच्छे से घुमा के अपना डो को, चाहे आप, हम तो भाई हिंदी बोलते हैं तो गोला ही, हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, डो भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलो, डो बोलो या गोला बोलो, कुछ भी। तो बस ये जो है आटा हमारा लग चुका है, और इसको हमें ना 2 घंटे के लिए रखना है। अगर आप 2 घंटे नहीं भी रखते हो तो गैस 1.5 घंटे के लिए तो ज़रूरी रखना है, तब जाके ये जो है आटा आपका और फूल जाएगा। अभी देखिए इतना है, बाद में ये फूल जाएगा। तो मैं 1.5-2 घंटा मैं भी इसे रखूँगी, उसके बाद हम फिर पिज्ज़ा बेस बनाएंगे। तो आजकल लॉकडाउन में बहुत बढ़िया है, आप घर पे ही हर चीज़ बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। बस ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, बस 2 घंटे में मेरे को कम से कम 10 या 9-10 मिनट ही रह रहे हैं 2 घंटे में, क्योंकि मैं अपना मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है तो उसमें ही रेसिपी दिखानी थी। तो 2 घंटे पूरे नहीं है, 5-10 मिनट रह रखे थे 2 घंटे में पूरे होने में, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखिए आटा फूल चुका है, और मैंने चेक किया तो बढ़िया हो गया है आटा। तो चलिए हम अब बेस बना लेते हैं पिज्ज़ा बेस। तो इस तरीके से आपको आटे को ऐसे लंबा कर लेना है, और उसमें अब आपको कट कर लेना है। तो गैस अगर 1/2 किलो ये होता ना तो 5 आपके बन जाते, तो हमारा 1/2 किलो से कम था, तो 3 बेस बन रहे हैं। देखिए दो 3 पीसेज में मैंने कट कर दिया है, और बस आपको ना यूं इनको देखिए ये पेड़े जो हैं ऐसे नीचे को लेने हैं। आप देख रहे हैं ना मैं किस तरीके से बना रही हूँ, ऐसे जैसे हम रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटे का लगाते हैं, वैसा नहीं बनाना है, इस तरीके से नीचे को फोल्ड करने हैं इस तरीके से। देखिए आप मेरे हाथ को देख लीजिए, इस तरीके से हमें ये इनका जो है डो, या आप जो भी आप इन्हें बोल सकते हैं, और पेड़े, कोई गोला बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो, इस तरीके से इनको बना लेना है। ठीक है, लेकिन इनका तरीका यही है, नीचे को जैसे मैंने फोल्ड करे थे ना उस तरीके से, और बस, और थोड़ा सा आप मैदा लगा के अब इनको रोटी की तरह बेल लो। तो गाइस मैं तो बस बेलन से ही बेल रही हूँ, लेकिन आपकी मर्जी, आप जैसे कोई बड़ा डब्बा होता है ना दाल अगर के, उनके गोल ढक्कन होते हैं, उससे आप ऐसे रोटी बना के कट कर सकते हो, या कोई थाली हो छोटी, अगर आपको एकदम मार्केट जैसा चाहिए गोल शेप, तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन मैंने तो ऐसे ही कर दिया बेलन से, देखिए, और हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ऐसे अंदर को कर दूंगी, तो शेप तो इसकी बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा है नहीं, और हमें घर में बच्चों के लिए बनाना है। तो इस तरीके से देखिए बन चुका है मेरा, और आप मैंने जैसे बताया ढक्कन से भी कर सकते हैं, और फिर एक एक कांटा ले लो, और इसकी मदद से ना हमको इसमें ऐसे इसके ऊपर से यूं कर देना है। तो ये पता है क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इसमें ऐसे छेद नहीं करेंगे तो ये आटे की तरह ना वो रोटी की तरह फूल जाएगा, तो इसलिए हमें इसे फुलाना नहीं है, रोटी नहीं बनानी है, बेस बनाना है, कच्चा पक्का बेस। तो इस तरीके से देखिए कांटे की मदद से आराम से आप इसमें करके, और इधर तवा रख दिया मैंने, और गैस तवा के नीचे जो गैस आपने जला रखे ना बिल्कुल भी फुल नहीं होनी चाहिए, एकदम धीमी आंच, क्योंकि हमें इसे कच्चा पक्का बेस बनाना है, एकदम जैसे मार्केट से मिलता है ना उस तरीके से। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसको आप तवे के ऊपर रख के फिर बेस बना सकते हो, तो उससे बढ़िया बेस बनता है, लेकिन कोई नहीं, हमें वैसे भी इसे पकाना ही है। देखिए हल्के आँच में इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लेना है, बस मैंने अलट पलट दिया है, और ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, रोटी की तरह एकदम पक्का नहीं पका देना है, जला भुना नहीं बनाना है, कच्चा पक्का इस तरीके से। देखिए ये देखिए एक मेरा बेस जो है बन चुका है, देखिए एकदम बाजार जैसा बना है ना, आपको दिख रहा है एकदम बाजार जैसा, थोड़ा हल्का देखिए वो हो गया थोड़ा डार्क, इसमें इतना भी हमें नहीं पकाना है, एकदम वैसा ही बाजार जैसा आपको बनाना है डो।
तो गाइस यहाँ पे तीन बन चुके हैं, देखिए मैंने तीनों बना दिए हैं बेस। और आपको दिखाती हूँ, ये पहला वाला है, ये थोड़ा ज़्यादा पक गया है क्योंकि गैस जो है मैंने तवा कब से रखा था ना, आँच तो धीमी थी लेकिन तवा मैंने कब से रखा था तो गैस ज़्यादा हो गई। और ये देखिए दो एकदम मार्केट जैसे बने, बिल्कुल भी इनमें डार्क कोई ऐसे निशान नहीं आए हैं देखिए, और पक भी गए हैं अच्छे से बने हैं जो है बेस हमारा, बहुत ही बढ़िया बन गया पिज्ज़ा बेस। और तो चलिए अब बच्चों के लिए फ्रेश पिज्ज़ा बनाती हूँ। यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, और ये रहा चीज़, ये मैंने कट करके रखे हैं। और एक ये बेस ले लिया है मैंने, इसके ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर। तो गाइस आराम से मैंने अभी बनाए हैं बेस ये, और अभी मुझे पिज्ज़ा भी बनाना है क्योंकि बच्चों ने मुझे बोला कि हमें पिज्ज़ा खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं अभी फटाफट बना के। बस ये कि मैदा जब बेस बनाना है तो आपको 1.5-2 घंटा तो रखना ही रखना है, अब 2 घंटा तो आप रखिए और 1.5 घंटा तो रखना ही पड़ेगा आपको, तब जाके वो मैदा ना फूल जाता है, बढ़िया बन जाता है, उसके बाद आप बेस बना लीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा आपको ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने काली मिर्च पाउडर मल दिया है बेस पे, उसके बाद सॉस मल दिया है, और उसके बाद मैंने जो है चीज़ डाल दिया ऊपर से, फिर प्याज डाल दिया है, शिमला मिर्च, टमाटर, और आप चाहे खीरा और पनीर आपको जो भी कुछ पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो बस टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और चीज़, बस सॉस तो आपका है ही, और बस ये कि काली मिर्च पाउडर, और अगर आप लहसुन अदरक खाते हैं तो वो भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, तो बच्चे ना लहसुन और अदरक वो उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। पर यह है कि अपने पसंद का नहीं बना सकते हैं ना, बच्चों के लिए बनाना है तो उन्हीं के पसंद का होना चाहिए, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, तो बस वो मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के नीचे से लगा दोगे बेस पे तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए। लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने मना बोला तो वो नहीं ऐड करा है। काली मिर्च पाउडर हो गया, चीज़ हो गया, सॉस हो गया, और बाकी आप जो भी ऐड करना चाहते हो उसमें, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। तो देखिए माइक्रोवेव में मैंने रख दिया है 5 मिनट के लिए, और बस अभी हमारा पिज़्ज़ा जो है बनके एकदम रेडी, और गर्मा गर्म बिल्कुल एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा। गाइस अभी आपके सामने मैंने बेस बनाया, और ये बेस आप 8-9 दिन तक इसे फ्रिज में रख सकते हो, ख़राब नहीं होता, कम से कम 9 दिन तो आपका चलता ही चलता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे पिज़्ज़ा मेरा रेडी है, और चलिए दूसरा वाला भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और 2 बना रही हूँ अभी मैं, फिर देखती हूँ अगर बच्चों को और खाने को मन किया तो तीसरा वाला भी बन जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद एक कल बना दूँगी, देखती हूँ। तो एक तो रेडी है, उसके ऊपर से और मैंने ऐड कर दिया है सॉस, और बच्चों को तो सॉस वैसे भी पसंद होता है, जितना उन्हें पसंद है उतना ऐड कर लीजिए। और मेरा हाथ जल गया था गाइस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, तो चाकू की मदद से मैंने कट कर लिया है देखिए इस तरीके से, और अभी बहुत गर्म है ना इसलिए मेरा हाथ जल रहा है। तो थोड़ा मैंने, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसमें दिखाना जरूरी होता है, तो देखिए इस तरीके से, और कितना बढ़िया बना है, और घर पर एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा, और शुद्ध भी फ्रेश भी। देखिए दूसरा वाला भी हमारा रेडी है, तो मेरे तो दोनों पिज़्ज़ा जो है बन चुके हैं, और कट करके अब इनको बच्चों के लिए लगा देती हूँ गर्मा गर्म। ये देखिए दूसरा वाला भी आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा बना है, और ढेर सारा मैंने प्याज इसमें, शिमला मिर्च, टमाटर, आपको पसंद है तो खीरा, पनीर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए आप देख ही रहे हैं कितना भर भर के मैंने बनाया, और बहुत ही टेस्टी बना है, और अच्छा भी हो रखा है, और दिखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आजकल लॉकडाउन में सही है, आप घर पे बनाइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब तक लॉकडाउन खुलता है पूरा दुनिया जो है हलवाई बन जाएगी तब तक, क्योंकि आजकल हर कोई घर में, पता है, हर कोई चीज़ बना रहा है, तो ये बढ़िया भी है, एकदम जो है ताज़ा और फ्रेश बच्चों के लिए। बाहर की चीज़ों से तो बहुत ही, अपने घर का मतलब है तो एकदम फ्रेश है। आपके सामने ही देखिए मैंने पिज़्ज़ा बेस बनाया और पिज़्ज़ा भी बना दिया। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा आपको मेरा पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा।
मेरे चाकू की मदद से मैंने कट कर दिया है, देखिए बस गर्मा गर्म अब बच्चों के लिए परोसती हूँ और बच्चे भी खुश, एकदम बढ़िया घर का फ्रेश पिज्जा। गाइस पिज्जा बन गया है और गर्मी देखिए कितना पसीना हो रहा है ना किचन में, तो चलिए दे देती हूँ अंदर मम्मी को, महाभारत देख रही है और रावत जी को, फिर बच्चों को भी। और बहुत ही बढ़िया बनाया, पहले मैंने बेस बनाया और फिर पिज्जा तैयार किया बच्चों के लिए, तो तीन बने थे, दो तो अभी बना दिए हैं और एक अभी रखा हुआ है। उधर देखिए ये रहा सब पिज्जा इधर रखा है और साथ में चाय भी बन गई है, चलिए चाय पीते हैं और पिज्जा आप लोग भी खा लीजिए। देखिए आप लोग को भी मैं खा देती हूँ, ये रहा पिज्जा और बहुत ही टेस्टी बन रहा है, मैंने थोड़ा सा ना चख भी लिया है, तो आप लोग भी पिज्जा का मजा ले लीजिए। और ये बच्चे बोलते हैं ऐसे क्या करते हो बार बार, तो आप लोग को बोलना तो पड़ता है ना, आप लोग भी चख लीजिए पहले। अभी बाहर आंधी आ गई, ओहो आंधी आ गई, बाहर आंधी आ गई कह रहे बच्चे, तो चलिए गैस पहले दे देती हूँ अंदर मम्मी को, उसके बाद फिर रावत जी को, और आंधी भी आ गई है बाहर, गेट अगर बंद कर दूं तो। गाइस बच्चों ने जो है दोनों जो पिज्जा थे वो तो खा लिए हैं और तो बहुत ही उनको टेस्टी लगे, तो कह रहे हैं जो तीसरा वाला बेस बना था तो अब मैंने वो भी रख दिया है पिज्जा बनाने के लिए अंदर, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, ओवन में मैंने फिर से रख दिया है उसको, तो मैंने कहा चलो खा लो यार पेट भर के, आप जितना भी आपको खाना है, खाली फिर मन ना ऐसे हो जाता है बच्चों का, तो इसलिए दो तो मैंने कट करके दे दिए थे, तो कह रहे हैं कि नहीं तीसरा वाला भी बना दो हमें अभी खाना है, बहुत ही टेस्टी हो रहा है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो देखिए अभी तीसरा वाला भी मेरा यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए तो बस बन चुका है, और ये देखिए मेरी बेटी उधर से देख रही थी कि फटाफट दो करके, मैंने कहा ना गरम हो रहा है अभी तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस मेरी बेटी बड़ी वाली पिज्जा खा रही है, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और देखिए मेरी कल की क्लिप जहाँ पर रामायण देखते देखते हम रो पड़े थे मम्मी और बेटी। मम्मी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं नो।